गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। मैं बिना नहाए धोए ऐसे पैंट और बुशर्ट पहन के ना तो रेडी हो गया। क्यों रेडी हो गया? क्योंकि आज मैं मेरी गुड़िया के लिए कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ। क्या सामान खरीदने जा रहा हूँ, ब्लॉग में रहना और देखना क्या सामान खरीदने जा रहा हूँ। सरप्राइज है और वो चीज इसके लिए सख्त जरूरत है का सामान है। तो जाता हूँ, कहाँ से जगह बता देता हूँ, मैं किशनपुर बाजार से लेके आऊंगा। मस्त मैं जा रहा हूँ। अभी है मेरा चश्मा पहन के, चश्मा की तरह मेरा ये मेरा चश्मा रहा, ये चश्मा पहन के रेडी हो गया, लेकिन फ्लैश से चमकेगा ये। तो चश्मा पहन के, हेलमेट पहन के गाड़ी से लेकर ढूंढ करके जाऊंगा। आज है हड़ताल कहीं की पेट्रोल पंप वालों की। तो मैंने सरप्राइजली कल ही है ना टंकी फुल कराई थी, तो मेरे को डर की जगह थी नहीं। पूरा महीना तो मेरे वैसे ही चल रहे हैं, तो मैं चलता हूँ लेके आता हूँ सामान। जब तक आप बने रहो ब्लॉग में, आपको भी दिखाऊंगा कहाँ से कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे मिलता है, मार्केट में बार्गेनिंग कैसे होती है, रेट कितने का क्या मिलता है। तो बने रहो ब्लॉग में। इस पहुंच गया किशनपुर बाजार और आपको दिखाता हूँ यहाँ का बाजार कैसा है। ये बाजार आ गया। अब यहाँ पे बच्चों के लिए ये देखो कितनी दुकान है। एक दुकान ये स्टार्ट हो गई, साइकिल हुई इधर और इधर दोनों साइड में है। ये देखो गाड़ियाँ, ये सारी दुकानें हैं जिनके ऊपर ये सब चीज़ें मिलती हैं। ये देखो लगातार ये दुकानें हैं। ये तो किसी को भी लेना हो तो अपने लोकल मार्केट की बजाय है ना इस मार्केट में आके यहाँ से ये चीज़ें खरीदें। ये देखो इसे बोलते हैं किशनपुर बाज़ार, जो कि अजमेरी गेट से छोटी चौपड़ी की तरफ चलता है ना, वो रस्ते वो बाज़ार है ये उस साइड। बाइक चलाना मुश्किल है यहाँ पे एक हाथ से एक, बट आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैंने ये चालू किया है। ये कुछ दुकानें हो रही और इधर आ रही, अब देख रहे हैं इस हाथ पे लगातार दुकानें दुकानें हो रही। इन दुकानों पर यही देखो उस साइड चलते हैं अभी, फिर देखा। तो गाइस ये आ गई और दुकानें, मैं रुक गया, अब देखते हैं यहाँ पे पता करते हैं कैसी कैसी हैं। तो गाइस इन भैया के पास है, देखते हैं कैसा है। चौकोर में देख रहा हूँ मैं, जिसको मर्सिडीज चाहिए वो मर्सिडीज भी ले सकता है यहाँ से। उनके पास मिला लेकिन इसकी हाइट नहीं थी। अब आगे देखते हैं अंकल के पास, ये अंकल की दुकान और देखिए इनके पास, देख रहे हैं इसकी हाइट एडजस्ट हो सके। खाना ये कितने का है? ये कितने का है? ये फाइनल किया है हमने। तो इसके टायर्स भी हैं, सेट नहीं करवा के लेके जा रहे क्योंकि मैं बाइक लेके आया हूँ ना इसलिए। ये टायर है तो सही ना, एक इसमें लग जाएगा टायर, इसमें लग जाएगा, बस खाली दबाने हैं इनको। फिर निकालने कैसे होते हैं इनको? निकालने भी ऐसे ताकत से ही निकलेंगे। ये देखो एक लगा के रखा है, ये लग गया पूरा। तो ये टायर मिल जाते हैं क्या? हाँ मिल जाते हैं। मैंने पसंद कर लिया और ले लिया झूला। मैं जहाँ दुकानों पे मेरे को भटकना नहीं आता, लेकिन गुड़िया के लिए पहला गिफ्ट है मेरा। गुड़िया हुई है तब से उसका को पहली बार कोई चीज आके दी है मैंने। अच्छा मैंने बनवा लिया बाइक के ऊपर, अब मैं बैठ के इसके ऊपर। कैसी लगी आपको, अच्छा लगी है बुरी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताना। रेड कलर का लिया है, इस पर इस कलर ये ऐसा है, कौन सा कलर है पता नहीं। 9 मंथ प्लस के लिए है, मेरी गुड़िया तो 8 मंथ की है लेकिन अभी तक तो। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है एडजस्टमेंट वाला। ये है किशनपुर बाज़ार, इस साइड जाएंगे तो छोटी चौपड़ आ जाती है, इधर अजमेरी गेट आ जाता है, और इससे पीछे की साइड में जाते हैं उधर वाली रोड पर, तो वो है छोटा रास्ता। हेलो मैडम जी, यह है गुड़िया के लिए। ये बताओ, गैस करो प्राइस बताओ, तुम्हारे हिसाब से कितने का होना चाहिए?
इसको देख के महंगे लग रहा है, सुंदर सा है, पीछे पकड़ने का भी है, ऐसा भी है, इसमें गाने भी बजते हैं। हैं कितने का आएगा बताओ ना। गुड़िया का 8 महीने की हुई ना गुड़िया, 8वें महीने का, 8वें बर्थडे का गिफ्ट है ये, 8 महीने का बर्थडे गिफ्ट। 13 कल गया तो कल मंगलवार से मैं जा नहीं पाया। कंपनी का ब्रांडेड है पांडा, सर्च कर सकते हो, ओरिजिनल है। इसमें क्या क्या है, 9 मंथ प्लस के लिए है, एडजस्टेबल है, ऊंचा 3 साइड हाइट इसकी, गाने बजते हैं, एडजस्टेबल है और कॉटन का है जो बैठने की सिटिंग है वो। दिखाऊं क्या बना के कैसे बनता है? घूमने के ही तो निकलेंगे, टायर घूम घूम के शायद है ना। ये जगह भी खूब रोकेगा। ये हो गया, वो कर तैयार। मुंडे लगवा लिया था तूने? लेकिन कैसे लगा दी? हाँ सीट मार रही है। एक बार पहले देते हैं, अगले लाए थे ना पत्थर, पहले भी लाल रेड कलर का था, वो भी रेड कलर का ही था। गाइस ये बन के तैयार हो गया मेरी गुड्डा रानी का, कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। उसके लिए गिफ्ट अच्छा नहीं लगा क्या? सच बताओ ना कैसा लगा? तुम्हारे इधर देखो, देखो तुम्हारे चेहरे की स्माइल तो बता रही, तुमको तो बड़ा प्यारा लगा। इस डिब्बे को देख के तो तोड़ो पानी ले रहा है चिया। तो गाइस गुड़िया, अरे सुनो सुनो सुनो, गुड़िया 8 महीने कंप्लीट हो गई तो उसका 8 महीने का गिफ्ट है ये। ये लो किटू, देखे देखे ना, हाँ सर रुको, ये लो बैठ गई गुड्डो। हाँ कितनी खुश हो रही है किटू, बेटा देख रही गुड़िया को कितनी खुश हो रही है। छोड़ दे, छोड़ दे बेटा छोड़ दे। ये लो देखो ये भी हिलता है। गाइस ये गुड़िया से ज्यादा एक्साइटमेंट तो ना इन बच्चों को रखा है। किट्टू रहने दो, किट्टू रहने दो, किट्टू रहने दो, ऋतिका रहने दो बेटा, वो चलेगी खुद, वॉकर इसके लिए है वो। इन बच्चों का तो ख्याल हो गया। हाँ अब बस चल ली, छोड़ो उसे, खुद को चलने दो, इसको खुद को कोशिश करने दो। कैसी लगी गुडो, कैसा लगा? अरे बड़ी खुश हो रही है ये, बहुत ज्यादा खुश हो रही है। कैसी लगी गुडा? तो इसकी एक्साइटमेंट, आजा आजा आजा, पैर सीधा, पैर सीधा रख, पैर सीधा रख, आजा 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 आगे आजा आजा गुड्डो। अब आपका पूरा दिन हो गया, बर्थडे मन गया तो ना चलो। अरे मतलब भूल ही गया मेरे बनाना है।
सकली बता रही है आपकी, सकली बता रही है। तो गाइस है ना, मैं क्या आते ही स्कूल के लिए ये लेने चला गया था, ये बोला कि मेरी गुड्डू रानी बैठ के इसे खेले, ये कितनी खुश हो रही है, इसकी खुशी देखिए ना, सही बता रहा हूँ, मनी नहा लिया मेरा तो। मनी ना है, अभी ना बदबू बाहर से आ रही है, अंदर से नहीं आई। तो खेल रही है, जाओ जाओ जाओ, मुझे खेल जाओ, मैं जाओ, मैं ये मेरी बेटी, ये मेरी लाडो, इसका कान तोड़ने का मन मत। कल तो क्या कर दी थी किटू तेरी मैं? पिटाई। कैसे?